में कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। कोल्हान टाइगर और बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज संताल दौरे पर रहेंगे। ग्राम प्रधानों का सम्मेलन है और इस सम्मेलन में वो हिस्सा लेने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन का ये बड़ा कार्यक्रम, संताली आदिवासियों का बड़ा चेहरा चंपाई सोरेन, और चंपाई सोरेन का आज ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, ग्राम प्रधानों का सम्मेलन है ये, लगातार वो इन कोशिशों में जुटे हुए हैं कि उसके बाद कोल्हान की जैसी जिम्मेदारी उन्हें जो दी गई है, कोल्हान में कैसे वो अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे। वो तमाम रणनीति जो बनाई गई है उसी के तहत अब अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उन सभी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश, और इसी कड़ी में आज ग्राम प्रधानों का सम्मेलन जिसमें चंपाई सोरेन शामिल होने वाले हैं। झारखंड आंदोलनकारी से पूर्व एमएलए लोबिन हेम्ब्रम भी उनके साथ रहेंगे। बीजेपी के 28 आदिवासी सीटों को साधने की तैयारी है और इसी तैयारी में आज ये कार्यक्रम, बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान के साथ कोल्हान और संताल परगना में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम एक साथ संताल परगना में कार्यक्रम करने वाले हैं आज, और दोनों नेता ये बताने की कोशिश करेंगे। और देखिए, लगातार ये मंच से ये कहते भी रहे हैं कि आखिर उन्होंने जेएमएम क्यों छोड़ा। इस कार्यक्रम के जरिए भी यही कोशिश रहेगी और आदिवासियों को ये समझाने की कोशिश होगी कि बीजेपी ही आदिवासियों के हित की पार्टी है, आदिवासियों के हित की बात करती है। ग्राम प्रधानों से सीधा संवाद करेंगे दोनों नेता। जल जंगल और जमीन से जेएमएम के भटकने का भी वो यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच संदेश देने वाले हैं। उन्हें ये बताने वाले हैं कि बीजेपी के साथ वो क्यों आए हैं, क्यों उन्होंने जेएमएम को छोड़ा है। तो ये ग्राम प्रधानों का सम्मेलन जिसमें चंपाई सोरेन आज शामिल होने वाले हैं। संताल परगना में और कोल्हान में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश, और इसी कोशिश के दौरान आज देखिए ग्राम प्रधानों के साथ सीधा संवाद करेंगे चंपाई सोरेन और उनके साथ लोबिन हेम्ब्रम भी रहेंगे। दोनों नेता ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने जेएमएम क्यों छोड़ा, क्यों वो बीजेपी के साथ आए। साथ ही जो बीजेपी 28 आदिवासी जो सीट है, जो एसटी सीटें हैं, उन्हें जो साधने की कोशिश कर रही है, उस कड़ी में ये कार्यक्रम बहुत अहम माना जा रहा है। चंपाई सोरेन का ग्राम प्रधानों से ये सीधा संवाद, और जेएमएम क्यों छोड़ा उन्होंने, बीजेपी में क्यों आए, ये भी बताने की कोशिश। साथ ही ये भी कोशिश कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के हित के लिए काम करती है। और सहयोगी कुणाल राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कुणाल, ये बड़ा कार्यक्रम, चंपाई सोरेन जब बीजेपी में शामिल हुए उसके बाद बड़े स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, या कहें कि जनता से अगर सीधा संवाद करने का कोई बड़ा कार्यक्रम है तो ये है, और इसलिए ये बड़ा कार्यक्रम जब आज वो ग्राम प्रधानों के साथ सीधा संवाद करेंगे, लोबिन हेम्ब्रम भी साथ होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ जो है कोल्हान टाइगर जो है संथाल धने के कोशिश में है, क्योंकि संथाल में जिस प्रकार से भाजपा का यहाँ पे नहीं है, जेएमएम का गढ़ है माना जाता है, यहाँ पर ज्यादातर जो है जेएमएम के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साधने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है और उसके मद्देनजर यह पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। और पाकुड़ को जो है सेलेक्ट किया गया है भाजपा के द्वारा, और वहां से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, सीधा संबोधित करेंगे। और जो जेएमएम से बड़ा नेता के रूप में माना जाता है कोल्हान टाइगर, चंपाई सोरेन रहेंगे और लोबिन रहेंगे, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जेएमएम के बाद भाजपा में शामिल होना उनके लिए, क्यों वह जो है जेएमएम छोड़कर भाजपा में आया और भाजपा जो है लोगों के लिए क्या फायदे देंगे, इसके साथ ही कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि समझाने की कोशिश करेंगे। और वह जो है संथाल को सिलेक्ट किया और पाकुड़ को सिलेक्ट किया है, और पाकुड़ से ही सीधा संवाद होगा। जी
चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे इस खबर पर आके भी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पाकुड़ में आज ग्राम प्रधानों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं कोल्हान टाइगर और संताली आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा चंपाई सोरेन। और ये जब बीजेपी की सदस्यता ली, बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद उनका ये बड़ा कार्यक्रम। आज लोबिन हेमरम पूर्व एमएलए भी उनके साथ रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और बिग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ